ये देख लो गाइस, नवयुग मार्केट में अंडे से झाग तैयार की जाती है। अदरक, हरी मिर्च, धनिया, प्याज सब डल गया, लिटरली झाग वाला ऑमलेट है। इससे ज्यादा सॉफ्ट ऑमलेट मैंने आज तक नहीं खाया, बहुत सॉफ्ट है, ऐसा लग रहा है कि मुंह में सिर्फ एक कॉटन का कुछ पीस डाल दिया हो। तो ईश्वर जी, कितने साल हो गए सर आपको यहाँ लगाते हुए? मैं सर 97 से लगा रहे हो आप यहाँ पे? अच्छा जी, भाई बहन देखो कितने सारे लगे हुए गाइस, 1 2 3 4 5 6 भाई बहन, 41 तरह का ऑमलेट मिलता है इस जगह पे गाइस। तो चलिए कश्यप जी, जी सर, एक सर मेरे लिए लगा दीजिए व्हाइट ऑमलेट नंबर 8 और एक नॉर्मल ऑमलेट लगा दीजिए। फेंटा फेंटा जा रहे हैं और स्पीड देखो लड़के की। तो दो अंडे का एक ऑमलेट बनता है जी, भैया ये बहुत बढ़िया। और अपनी टाइमिंग क्या रहती है सर? 4 बजे से लेकर 11 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेकर 11 बजे तक। ये झाग को देख के तो ऐसा लग रहा है कि दूध के ऊपर की झाग है, अंडे की तो लगी नहीं रही। अंडा फेंटने के बाद जो फॉर्म रेडी की जाती है ये देखो, झाग ही झाग है, इसमें अंडा कहीं नजर नहीं आएगा गाइस। ये हरी चटनी धनिया की है जी, धनिया पुदीना मसाले तो गाइस, अदरक और हरी मिर्ची कटी हुई है, प्याज कटा हुआ है, ये नमक है और ये क्या है? मसाला है और बाकी मसाले। ओहो, एक तो लाल मिर्ची है, लाल मिर्ची है, जीरा है, अजवाइन है, काली मिर्ची है। ये काली मिर्ची, ये काली मिर्ची है, ये अजवाइन है, ये अजवाइन, लाल मिर्ची है, लाल मिर्ची, ये जीरा, ये जीरा, ये जीरा और काली मिर्च, ये जो अजवाइन है भुन के, भुना हुआ है, ये भुना हुआ है। और ये मसाला किस चीज का, गरम मसाला है क्या है? चाट मसाला। अच्छा, चाट मसाला। अरे देखो गाइस, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, प्याज सब डल गया, लिटरली झाग वाला ऑमलेट है। हमने लगवाया एक प्लेन ऑमलेट और एक व्हाइट ऑमलेट। व्हाइट ऑमलेट कहते हैं, बड़ा डिफरेंट है और बहुत सेल है उसकी है। ये डल गया अमूल बटर, इसमें व्हाइट लगा रहे हो सर? हाँ जी सर। चलिए खिलाइए फिर। हाजी देख लो, अमूल बटर डल गया आपके लिए। ये तैयार होने जा रहा है व्हाइट ऑमलेट, देखते हैं क्या खासियत है इसकी और कैसे ये अलग बनता है और ऑमलेट से। क्या पलटने के बाद क्या क्रिस्पी लुक निकल कर आई है ना इसकी। ओए भाई, ये नॉर्मल ऑमलेट है ना भाई साहब? कितना बढ़िया लग रहा है यार, मन तो ऐसा कर रहा है इसको इसी में से उठा के खा जाओ। आपको ही मिलेगा। अच्छा, मुझे ही मिलेगा है। चलो ये भी बढ़िया भी है। ये लग रहा है व्हाइट ऑमलेट, ये देखते हैं ये कैसे अलग है बाकी ऑमलेट से। ये बीच में कट क्यों लगाते हो पलटने के बाद? इससे कि इसके भाप निकल जाए और अंदर तक सिक जाए। देखो भाई, पप्पू का क्लोज अप। ग्रीन चटनी, टमाटो सॉस, मेरी रेड चिल्ली अलग से, ये रेड चिल्ली अलग, ऊपर से फ्रेश क्रीम, ऊपर से फ्रेश क्रीम, वो भी अमूल की। बस जी बस बस। तो ये देखो गाइस, ऑमलेट लग के आ गया है नॉर्मल। आओ इसको खाना शुरू करते हैं यार, रुका तो जा नहीं रहा। ये हमारा व्हाइट ऑमलेट हो रहा है तैयार। इसके ऊपर क्या डाला है अभी आपने? अभी केवल अपना चाट मसाला गया है। अच्छा, सिर्फ चाट मसाला गया है। तो व्हाइट ऑमलेट बिल्कुल लो सिम गैस पे बनाते हो आप, और इसके अंदर आप कह रहे हो डबल बटर डलता है? डबल बटर दे रहा है सर आपके साथ। व्हाइट ऑमलेट के ऊपर डल गया है अदरक, हरी मिर्च, धनिया और प्याज। तो गाइस, ओहो बटर देख रहे हो,
अच्छा वो जो नॉर्मल वाला ऑमलेट था वो कैसे क्रिस्पी हो गया था और ये पूरा व्हाइट है, तो ये कैसे? हाँ जी, इसकी यही खासियत है, ये इसी कलर का रहेगा, ये इसी कलर का रहेगा, यही खासियत है इसकी। है अरे वाह, मतलब जैसी फेंटी है वैसी सर्व होगी। है दो सर, ये ऑमलेट पे हो चुका है ऑलरेडी हमला यहाँ पे, देख रहे हो भाजी कैसा है? बहुत अच्छा है, लाओ खा कर देखें हम भी। ओहो ये देख रहे हो भाई, आओ ट्राई करें। ऑमलेट देख रहे हो आप, हरी चटनी, बहुत बढ़िया ऑमलेट है, बहुत बढ़िया। ये वाइट ऑमलेट अब पलट दिया भाई साहब ने, अंदर लगा दिया चाट मसाला, अंदर लग गया चाट मसाला। इसमें ब्रेड नहीं लगाते आप? नहीं लगती ब्रेड, नहीं लगती ब्रेड, अलग से दी जाएगी। ओह ये हमारा वाइट ऑमलेट हो गया तैयार। ग्रीन चटनी, ये गई ग्रीन चटनी, टोमेटो केचप, लहसुन वाली आपकी स्पेशल मेरी। ये स्पेशल कौन सी है? स्पेशल लहसुन वाली। अच्छा लहसुन वाली, अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी काली मिर्च, इसके ऊपर काली मिर्च, काली मिर्च, थोड़ा जीरा, थोड़ा जीरा, थोड़ी लाल मिर्ची। अच्छा जी, थोड़ी अजवाइन पाउडर। ये आपका वाइट ऑमलेट तैयार। वाइट ऑमलेट हो गया, देता हूँ अलग से। वाइट ऑमलेट हो गया तैयार, ये देख रहे हो गाइस क्या सेक्सी लग रहा है यार। ऑमलेट देख रहे हो वाइट वाला, और ये देख रहे हो यहाँ पे फ्लफी भी है और कलर भी वाइट है। आओ चलो ट्राई करें। सो गाइज ये वाइट ऑमलेट, फ्लफी देख रहे हो और सॉफ्टनेस, लाजवाब सॉफ्टनेस है इसकी। ऐसा लग रहा है कि अभी बस हाथ में कुछ नहीं पकड़ा हुआ, इतना हल्का है। सच बताऊं इससे ज़्यादा सॉफ्ट ऑमलेट मैंने आज तक नहीं खाया, बहुत सॉफ्ट है। ऐसा लग रहा है कि मुंह में सिर्फ एक कॉटन का कोई पीस डाल दिया हो, इतना इतना सॉफ्ट है, लाजवाब। मैंने ऐसा ऑमलेट नहीं खाया कभी जिंदगी में, बहुत लाजवाब। ये कह रहे हैं जी कि आप हमारे यहाँ खाओ कच्ची फ्राई, मतलब हाफ फ्राई बना दो सर, हाफ फ्राई। और हाफ फ्राई में ये गया अंडा, ये गया दूसरा अंडा। दो अंडों का बनाते हो? दो के होता, तीन का नहीं बनता? दो अंडों का, सिंगल ब्रेड का यही बढ़िया लगता है। चलो सिंगल ब्रेड हो रहा है, ये गया सॉल्ट, चाट मसाला, ब्लैक चिल्ली, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, काली मिर्च छोड़ना, काली मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, अजवाइन, और अजवाइन। ये अजवाइन का क्या कॉन्सेप्ट है? अरे सर जी गैस नहीं बनेगी कभी भी। अच्छा पेट में गैस नहीं बनेगी अजवाइन डाल, ये भी बढ़िया। अदरक के लच्छे यार कितना, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। अब खा के पता लगेगा बाकी। तो हमारा हाफ फ्राई हो गया तैयार, अब तो ब्रेड और लगा दो सर। ब्रेड और लगा दो जी, ब्रेड नीचे से क्रंची हो जाएगी सर। ओहो ब्रेड नीचे लगा दी है, नीचे ही लगेगी सर, ब्रेड से भी क्रंची होगी थोड़ी, ब्रेड से भी क्रंची हो जाएगी है। भैया कह रहे हैं ब्रेड क्रंची हो जाएगी अभी। ओए ओए ये हाफ फ्राई हो गया हमारा रेडी है, ब्रेड हो गई क्रंची जी सर। इस पर भी मलाई डालेगी जी सर? मलाई सब पे डाल दो आप, मलाई तो इसका क्या रीजन है सब पे मलाई डालने का? मेरे हिंदुस्तान का आदमी कोई कमजोर नहीं होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान का आदमी कोई कमजोर नहीं होना चाहिए। ये कश्यप जी यही खासियत है आपकी है। आओ गाइस ये भी ट्राई करें, देख रहे हो अंडा तो नजर नहीं आ रहा, सामान बहुत सारा डल गया उसके मलाई समेत। अब खाते हैं हाफ फ्राई और देखते हैं कैसा है। लो भाजी आप ही लो, वो कह रहे हैं ब्रेड हो जाए, ब्रेड इसकी क्रिस्पी हो चुकी होगी। ये देखो गाइस पहले तो ब्रेड देखो,
फिर ऊपर से हाफ फ्राई। ब्रेड भी क्रिस्पी और हाफ फ्राई तो ज़बरदस्त लग ही रहा है। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छा। ब्रेड क्रिस्पी हो गई ना और अंडा सॉफ्ट है ऊपर से, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा सा बन गया इसका। रंगीला एक कॉर्नर हिट हो गया आज। सो गाइज, ऑमलेट खा के आ गया मज़ा। ये बन रही है पक्की हाफ फ्राई। ये पक्की हाफ फ्राई बन रही है जी सर। चलिए अब तो हमारा पेट तो भर गया। कश्यप जी, आपसे फिर मुलाकात होगी। अब आपका प्लेन ऑमलेट है 70 रुपए का जी सर। अच्छा, वाइट ऑमलेट 90 रुपए का जी सर। और जो आपने हाफ फ्राई खिलाया मुझे वो 80 रुपए का। चलो बहुत बढ़िया। टाइमिंग आपकी है 4 बजे से लेके 11 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेके रात को 11 बजे तक है। सो गाइज, हाईली रिकमेंडेड प्लेस है। जब आपका ऑमलेट खाने का मूड हो, गाजियाबाद में हो, तो यहाँ के ऑमलेट खाओ। मैं सच कह रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको ऑमलेट खा के। ऑमलेट ही बढ़िया नहीं है, वाइट ऑमलेट तो गजब का था भैया। चलिए ठीक है कश्यप जी, थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात होगी आपसे। वेलकम सर। तो गाजियाबाद की जो स्ट्रीट फूड है ना, उसमें एक नाम ये भी जोड़ लो, रंगीला एक कॉर्नर। जी हाँ, इनकी लोकेशन है नवयुग मार्केट के बिल्कुल जैसे ही एंटर करते हैं। गाजियाबाद में नवयुग मार्केट है, बहुत फेमस है। तो उस मार्केट में एंटर करते ही राइट हैंड साइड पर सबसे पहली दुकान जो पड़ती है, काउंटर जो है, वो रंगीला ऑमलेट वालों का है।